नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत विश्व में पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े जो मुद्दे पढ़े थे, विभिन्न सम्मेलन पढ़े थे, और उन सम्मेलनों के आधार पर हमने जाना कि वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरणीय समस्याएं कितने चरम तक जा चुकी है और उन समस्याओं को किस प्रकार से पूरा विश्व एक साथ होकर के, एकजुट होकर के उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो विद्यार्थियों, पर्यावरणीय जो समस्या और पर्यावरण का जो लेसन है, इसके साथ ही हमने विश्व भूगोल, जो हमारे कोर्स में दो बुकें हैं, एक मानव भूगोल जो आपके विश्व के संदर्भ में है और दूसरी जो है आपके भारत के संदर्भ में है। तो विश्व के संदर्भ में जो हमने बुक है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने जो प्रथम यूनिट है, मानव भूगोल क्या है, इसके साथ ही जनजातियों के बारे में पढ़ा। दूसरी यूनिट में हमने विश्व में जनसंख्या प्रतिरूप के बारे में पढ़ा। तीसरी यूनिट में हमने प्रवासों के बारे में पढ़ा। चौथी यूनिट में हमने आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा। पांचवी यूनिट में हमने परिवहन और संचार के बारे में पढ़ा तथा छठवी यूनिट में हमने पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ा। अब इसमें एक टॉपिक आपका मानचित्र का रह रहा है, वो आपके भारत के कुछ टॉपिक होने के बाद भारत और विश्व दोनों के मानचित्र हम करवाएंगे। विद्यार्थियों, आज जो हम अगली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भारत की बुक में, भारत वाली जो बुक है उसमें आपकी जो यूनिट है उसमें ये भारत में नियोजन और सतत पोषणीय विकास से जुड़ी हुई यूनिट है। और यह भी आपके अंकों की दृष्टि से देखें तो आपके चार अंक की है। कितने अंक की है? चार अंक की है। इसके बाद जो हमने लेसन है, जैसे ये जो आपके दो लेसन है, एक तो आपके 21 नंबर का लेसन है और एक 22 नंबर का लेसन है। इसके बाद 23 और 24 और 25 नंबर का लेसन है। ये तीनों लेसन राजस्थान के हैं जो हमने करवा दिए। तीनों लेसन राजस्थान के हैं जो हमने करवा दिए। 21 और 22 जो लेसन है वो आपके इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, जो हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो लेसन है उसमें दिया हुआ है कि नियोजन क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे भारत की इकोनॉमी, लेकिन हमें जानना जरूरी है नियोजन क्या है। तो नियोजन का सामान्य अर्थ देखें तो योजनागत विकास क्या होता है? नियोजन होता है। अब हम बात करें कि नियोजन कैसे करें, क्यों करें, कब करें और किस प्रकार से हम नियोजन को करके सफल हो पाएंगे। तो नियोजन, देखो छोटी सी बात हम करें कि आप कक्षा 12 के पाठ्यक्रम की योजना बनाकर, के और आप कक्षा 12 में एक अच्छे या टॉप लेवल पे अंक की प्राप्ति कर सकते हो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपकी क्लास में जो टारगेट है कि कितने महीनों में आपके कितने लेसन है, कितने नंबर के लेसन है, जितने भी नंबर के लेसन है उनको हम क्या करेंगे, इतने महीनों में, मान लो 3 महीने का समय है या 4 महीने का समय है, तो ये सारे लेसन हम पूरे करवाएंगे। तो इसके लिए मेरे को एक क्या बनाना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, और वो प्लान है उस सिलेबस को क्या करवाएगा, पूरा करवाएगा। अगर मैं प्लान नहीं बनाऊं और किसी लेसन को मैं 20 दिन 25 दिन ले रहा हूं जब 2 दिन का लेसन है, और किसी लेसन को मैं 2 दिन में कर रहा हूं जो आपके 2-4 महीने का लेसन है, और 2 दिन में कर रहा हूं तो क्या है, 2 महीने का लेसन है या 1 महीने का लेसन है। अब उसको मैं 2 दिन में कर रहा हूं तो समझ में नहीं आएगा, और किसी लेसन में 2 दिन का समय 2 महीने ले रहा हूं तो क्या समझा रहा हूं,
तो इसमें अपना कोर्स है वो प्रभावी तरीके से आप तक नहीं पहुंच पाएगा, और आप तक नहीं पहुंच पाएगा तो आप उस कोर्स के अकॉर्डिंग अपने अंकों का अर्जन नहीं कर पाएंगे। सेम आपके ऊपर भी है कि आपके पास सब्जेक्ट है 5, और 5 सब्जेक्ट में आपको नियमित रूप से पढ़ाई भी करनी है, और नियमित समय आप उन 5 सब्जेक्टों को दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक अच्छे अंक मिलेंगे आपको। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप अपनी सफलता की सीढ़ी में पीछे हो जाओगे। तो नियोजन क्या है कि हम किसी भी कार्य को करने के पहले क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। और उस योजना, भाई योजना तो बनाने वाले सभी बनाते हैं, हर विद्यार्थी जब उसके मार्क्स एक टेस्ट में कम आते हैं, एक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तो दूसरे दिन ही वो क्या करेगा कि मैं आज से ही क्या है 6 घंटे की रोजाना स्टडी करूंगा। क्या करूंगा, 6 घंटे की रोजाना स्टडी करूंगा। योजना तो उसने बना ली, योजना तो कोई भी बना लेता है, लेकिन योजना की क्रियान्विति करना मेन बात है। वो 6 घंटे की स्टडी करेगा, वो 8 घंटे की भी कर सकता है, वो 10 घंटे की योजना भी बना सकता है, लेकिन वो 10 घंटे में क्या 1 या 2 घंटे पढ़ रहा है क्या, ये मायने रखती है योजना की क्रियान्विति। और जब तक क्रियान्विति नहीं होती है तब तक योजना सफल नहीं होती है। योजना की क्रियान्विति होना भी जरूरी है, यानी योजनागत विकास के लिए योजना बनाना और योजना की क्रियान्विति करना भी जरूरी है। अब ये तो बात हो गई सामान्य की योजना हम क्यों बनाए। तो योजना है हम अपने कार्यों को एक सही समय पर एक निश्चित आधार पर सफल करने के लिए हम किसकी योजना की क्रियान्विति या योजना का निर्माण करते हैं। और योजना हमें क्या करती है, योजना हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करवाती है। योजना क्या प्राप्त करवाएगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करवाइए। अब देखते हैं तो योजना जो बना रहे हैं उसके लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए, आपके पास क्या क्या स्टेप होने चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी योजना बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी योजना के पीछे आप मान लो टारगेट जब नहीं होगा तब तक योजना की क्रियान्विति नहीं करोगे। जैसे आपकी कक्षा 12 में आपका टारगेट 95% अचीव करना है, जब तक आप इस टारगेट को नहीं या इस लक्ष्य को नहीं निर्धारित करोगे तो आप क्या है इस लक्ष्य को निर्धारित किए बिना योजना नहीं बना सकते। लक्ष्य को निर्धारित किए बिना योजना नहीं बना सकते। भाई आपको है कि मेरे को 5 दिन में इन 7 लेसनों को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, तो ये प्रिपेयर करने के लिए वो 7 दिन और 5 लेसन और 7 दिन वो लक्ष्य हो गया आपका, तब आप वो 5 लेसन है वो 7 दिन में प्रिपेयर कर पाओगे, या 7 लेसन है वो 5 दिन में प्रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि आपने क्या किया, लक्ष्य निर्धारित किया है। अब लक्ष्य निर्धारित करने के बाद दूसरा जो आता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। उस लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए आपके पास में कितने रिसोर्सेज हैं, तो हम दूसरा जो लक्ष्य क्या बात है जो रिसोर्सेज हैं उनकी गणना करेंगे कि आपके पास में कितने रिसोर्सेज हैं। और आपका जो तीसरा जो बिंदु है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज है, कितनी रिसोर्सों की अनुकूलता है, उन संसाधनों की कितनी अनुकूलता है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब तीसरे स्तर पे देखें तो ये जो अनुकूलता है रिसोर्सेज होगी, हम उस अनुकूलता के आधार पे उन संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, किस प्रकार से उस अनुकूलता के आधार पर संसाधनों का उपयोग करते हैं, ये तीसरा। पहले लक्ष्य निर्धारित किया, फिर हमने रिसोर्सेज देखे कि हम जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो उस लक्ष्य के लिए हमारे पास में क्या वास्तविक संसाधन है और हमारे पास में क्या अनुकूलता है। भाई आप मान लो
किसी भी परिवार से हो, तो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, लेकिन आपके परिवार की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग क्या आप मान लो कि काम का समय है सुबह शाम को, आपके परिवार में काम करने वाला नहीं है, काम का समय है और आप उसी समय अपने लक्ष्य या टारगेट को निर्धारित करने के लिए अपना जो टाइम टेबल बढ़ा देते हो, तो वहाँ वो काम का समय और आप उस टाइम टेबल को बढ़ाते हो तो आप उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो काम करना ही पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है, और आप उस समय अपने टाइम टेबल की रूपरेखा बढ़ाओगे तो आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करोगे। लेकिन जब अनुकूलता रहेगी कि आप उस काम के समय के अलावा आपने जो टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग आप जरूर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। अब उस अनुकूलता के आधार पर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हो वो आपको क्या है, आपके विकास तक ले जाएगा, आपके लक्ष्य तक प्राप्त, आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाएगा। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो नियोजन है वो प्राप्त संसाधन या संसाधनों की अनुकूलता के आधार पर जो लक्ष्यों की प्राप्ति या उद्देश्यों की प्राप्ति करना है वही क्या है, नियोजन है। सीधी सी बात है, मैंने एक शब्द लिखा योजनागत विकास। अब नियोजन क्या हुआ, संसाधनों की प्राप्ति या संसाधनों की प्राप्ति किसके आधार पे, अनुकूलता के आधार पे करते हैं, वही क्या है, संसाधनों की प्राप्ति अनुकूलता के आधार पे करके और अपने लक्ष्यों की या उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही क्या है, नियोजन है, और यही क्या है, योजनागत विकास। तो ये तो सामान्य सी बात थी कि नियोजन क्या होता है, कई बार पूछ लेता है। अब आपसे नियोजन पूछता है कि नियोजन कितने प्रकार का होता है, प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में कि नियोजन कितने प्रकार का होता है। तो नियोजन आपके मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो होता है खंडीय नियोजन, एक होता है प्रादेशिक नियोजन। एक तो कौन सा होता है, खंडीय नियोजन, और एक होता है कौन सा, प्रादेशिक नियोजन। तो विद्यार्थियों खंडीय नियोजन क्या होता है और प्रादेशिक नियोजन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि खंडीय नियोजन वह नियोजन है जिसमें किसी भी क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर किसी विशेष भाग के लिए योजना का निर्माण किया जाए, किसी पर्टिकुलर या विशेष भाग के लिए योजना का निर्माण किया जाए वो क्या कहलाएगा, खंडीय नियोजन कहलाएगा। जैसे किसी क्षेत्र में हम कृषि को लेकर योजना बना रहे हैं, क्या किसी क्षेत्र में हम सिंचाई को लेकर योजना बना रहे हैं, या किसी क्षेत्र में हम बिजली को लेकर योजना बना रहे हैं, या किसी क्षेत्र में हम सड़क को लेकर योजना बना रहे हैं, या किसी क्षेत्र में हम शिक्षा को लेकर योजना बना रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के आधार पर हम योजना का निर्माण कर रहे हैं वो आपका क्या है, खंडीय नियोजन है। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्टों में आपने इवेल्यूशन किया और 5 सब्जेक्टों में आपने 4 सब्जेक्ट अच्छी तरह प्राप्त लक्ष्य की ओर, आपके 4 सब्जेक्ट है वो आपको ये मान लो सबसे बेस्ट है, आप अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हो। अब 1 सब्जेक्ट वीक है तो आप क्या करोगे, 4 को छोड़ के उस 1 के बारे में योजना बनाओ, तो वो क्या हो गया, खंडीय नियोजन है। या 1 वीक है जिसमें आपको काफी प्रॉब्लम्स आती रहो उसके लिए योजना बनाओ, तो क्या है वो आपका खंडीय है। जबकि आप पूरी एग्जाम के लिए, पूरे के पूरे कोर्स के लिए, पूरे के पूरे पाठ्यक्रम के लिए योजना बनाओ तो क्या है, प्रादेशिक है। प्रादेशिक क्या, किसी प्रदेश विशेष में, किसी प्रदेश विशेष में हम उस प्रदेश के सर्वज्ञ मूल्यांकन के बाद, पूरे मूल्यांकन के बाद उस प्रदेश की प्रमुख समस्याओं को हम क्या करें, चुने और उन प्रमुख समस्याओं के ऊपर क्या योजना बनाएं जो पूरे प्रदेश को लाभान्वित करेगी, वो कौन सा होता है, प्रादेशिक नियोजन। क्या होता है, प्रादेशिक नियोजन, वह जो प्रादेशिक नियोजन है उस प्रदेश में संपूर्ण संसाधनों को ध्यान में रख के और उस प्रदेश की योजनाओं के लिए जाना, निर्माण के लिए जाना जाता है, यानी किसी प्रदेश विशेष में पूरे प्रदेश के जो संसाधन है उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उस प्रदेश में जो कमी है, उस प्रदेश में जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए क्या बनाए, योजना बनाए, वो क्या है, प्रादेशिक नियोजन है। जैसे हमारे राजस्थान राज्य के अंदर, राजस्थान
राज्य के अंदर हम किसी पर्टिकुलर समस्या को लेकर हम योजना बना रहे हैं, वो क्या है आपका प्रादेशिक नियोजन है। जैसे आप मान लो कि डेजर्ट के लिए योजना बना रहे हैं तो क्षेत्रीय नियोजन हो गया। आप पर्वतीय क्षेत्र कार्य पर्वतीय क्षेत्र है उसके लिए योजना बना रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, एक क्षेत्रीय नियोजन हो गया, खंडीय नियोजन हो गया। और अगर आप कंप्लीट प्रोसेस के लिए योजना बना रहे हैं वो कौन सा है, इसमें पर्टिकुलर समस्या है सब में उसके लिए तो कौन सा होगा, प्रादेशिक नियोजन कहलाएगा। तो दो प्रकार के नियोजन होते हैं, एक तो खंडीय और एक प्रादेशिक नियोजन। नियोजन समझ में आ गया कि नियोजन क्या है, योजनागत विकास क्या है, नियोजन कहलाता है। इसके बाद विद्यार्थियों, भारत में जो योजना आयोग है उसके माध्यम से जो प्लान है, जो 5 ईयर्स प्लान है या पंचवर्षीय परियोजना है वो चला करती है। वर्तमान में योजना आयोग को भी बदल के नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। इससे पहले देखते हैं कि जो योजना आयोग है उसके निर्माण से पहले कौन कौन सी योजना या कौन कौन से प्लान जो है वो आए थे। तो मान सकते हैं कि भारत में जो योजनाएं हैं या आर्थिक प्लान है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से आरंभ हो गए थे। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले योजनाओं का जो काल है वो शुरू हो चुका था। इससे पहले देखिए पूरे विश्व में 1928 में रूस ने, सोवियत संघ रूस ने आर्थिक योजनाओं का निर्माण किया। उस आर्थिक योजना के निर्माण ने पूरे सोवियत संघ में एक नवीनतम क्रांति ला दी और उसी सोवियत संघ रूस के आधार पर या उसी की प्रेरणा से हमने भारत में भी क्या है, योजनाओं का निर्माण किया है। तो प्रश्न कभी आ जाए कि भारत में जो योजना है या पंचवर्षीय जो योजना है या 5 ईयर जो प्लान है वो किस देश के से प्रेरणा लेकर आरंभ किए गए, तो आपके सोवियत संघ रूस का नाम उसमें आएगा। किस देश से, तो एक नंबर का प्रश्न आता है किस देश से, तो सोवियत संघ रूस से प्रेरणा लेकर के हमने क्या किया, हमने जो 5 ईयर प्लान है वो लागू किए। इसके बाद हम देखें तो 1930 से लेके और 1940 तक का दशक है वो हमारे देश में जो जो आर्थिक क्रियाएं हैं या आर्थिक योजनाएं हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण दशक माना जाता है। उसको हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। जैसे 1930 में सबसे पहले 1930 में बुनियादी आर्थिक योजनाओं की शुरुआत, बुनियादी आर्थिक योजनाओं की शुरुआत की गई। इसमें जो मुख्य मुद्दे क्या थे जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में या हमारे मूल आधारभूत जो का क्रियाकलाप है उसमें जो विकास किया जाए जिससे लोगों का विकास हो सके, उन आधारभूत क्रियाकलापों को लेकर के और योजनाएं बनाना आरंभ की गई 1930 में। इसके बाद 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने जो प्लान दिया वो एक नियोजित अर्थव्यवस्था कार्यक्रम दिया या नियोजित अर्थव्यवस्था जो प्लान दिया, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का जो नाम है वह है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया को, पुस्तक का नाम क्या है, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के माध्यम से एम विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले भारत में जो योजना है, आर्थिक क्रियाएं हैं उनके लिए अपनी रूपरेखा प्रस्तुत
की। और इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक प्लान लागू किया जिसे हम कांग्रेस योजना कहते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस योजना। क्या बोलते हैं? कांग्रेस योजना कहते हैं। कब की? 1938 में। 1938 के बाद जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में बदलाव के लिए आपके 1994 में देखो दो तीन योजना आई। एक तो आई सीमन नारायण योजना, सीमन नारायण जो है उन्होंने अपना प्लान दिया। साथ ही आपके 1944 में ही आपके 8 उद्योगपति हैं, 1994 में 8 उद्योगपतियों द्वारा आदेश, आदलेश्वर पंजाब बदर दलाल वगैरह जो भी है, जमशेद जी टाटा है, उनके जो 8 उद्योगपति हैं, 8 उद्योगपतियों द्वारा एक प्लान आया जिसे हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान। क्या बोलते हैं? बॉम्बे प्लान। कब आया बॉम्बे प्लान? 1944 में ही जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो योजना और विकास के लिए योजना बनाई गई, योजना विकास के लिए क्या बनाई गई? योजना बनाई गई। और 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इन योजनाओं की क्रियान्विति किस प्रकार से हुई, तो इन योजनाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करने के लिए क्या एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। ये 1944 वाली ये उद्योगपति, भारत के उद्योगपति थे जिन्होंने योजना बनाई, कौन सी? बॉम्बे प्लान। ये श्रीमन नारायण थे, उन्होंने अपनी योजना दी 1944 में। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो एक बार रिपीट कर देते हैं इसको कि 1928 में सोवियत संघ रूस ने क्या किया, योजना यानी पंचवर्षीय योजना लागू की, और इसके जो परिणाम है वो क्रांतिकारी थे, उनमें काफी बदलाव आया। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी है सोवियत संघ रूस की प्रेरणा के आधार पर योजना बनाना आरंभ किया। भारत में 1930 के बाद योजना बनाने के लिए कुछ जो क्रियान्विति हुई, उस क्रियान्विति में बुनियादी आर्थिक योजनाओं की शुरुआत हुई 1930 में। 34 में एम विश्वेश्वरैया ने नियोजित आर्थिक प्लान जो है यानी प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो लिखी, उसी पुस्तक में योजनाओं के विकास और योजनाओं को लागू करने के लिए बात कही। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में कांग्रेस योजना आई, 44 में श्रीमन नारायण योजना, 44 में 8 उद्योगपतियों द्वारा आपके बॉम्बे प्लान आया, उसके बाद 44 में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा योजना के विकास के लिए योजनाएं लागू की गई, और 46 में इसकी समीक्षा के लिए ब्रिटिश योजना सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद जो आपके योजनाओं के संदर्भ में हम बात करें तो आपके एम एन रॉय की जन योजना या पीपुल्स प्लान, एम एन रॉय की जन योजना 1945 में आई, और फिर 1950 में कौन सी योजना? जन योजना। और एम एन रॉय की जन योजना के साथ साथ आपकी जो योजना है वो 1949-50, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जय प्रकाश नारायण की योजना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कौन सी योजना है याद करना? सर्वोदय योजना। कौन सी योजना? सर्वोदय योजना
जय प्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी योजना के आधार पर आपके 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। ये एक गैर वैधानिक जो निकाय है और एक सलाहकारी निकाय है, इसके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसकी समीक्षा के लिए आपके 6 अगस्त 1952 को NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। साथ ही साथ इन योजनाओं के निर्माण और क्रियान्विति के लिए जो जितने भी प्रतिष्ठित अपने जो शिक्षाविद है, जो भी योजना बनाने वाले हैं, उनके लिए उनके द्वारा एक आयोजना परिषद का गठन भी किया गया, जो योजना के निर्माण के समय 1 वर्ष तक कार्य करती है। कौन सी आयोजना परिषद? ये 1 वर्ष तक कार्य करती है। तो इस प्रकार, और इसके बाद हम देखें वर्तमान की स्थिति कि आपके 14 अगस्त 2014 को आपके नीति आयोग था, सॉरी आपके प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? नीति आयोग में। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? नीति आयोग में, जो आपके बौद्धिक आधार पर ये कार्य कर रहा है, थिंक टैंक आधार पर कार्य कर रहा है, और ये आपके वर्तमान में नीति आयोग की जगह योजनाओं का निर्माण कर रहा है। इन सब के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा नियोजन क्या होता है, और नियोजन के साथ साथ हमने जाना कि किस प्रकार से भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। क्या भारत में योजना आयोग का गठन सीधा ही हो गया था क्या? तो नहीं हुआ था। इसके लिए आपके 1930 से प्लान बन रहे हैं, और योजना आयोग का गठन है या भारत में योजनाएं हैं वो सोवियत रूस के प्रेरणा के आधार पे निर्मित हुई है। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो के माध्यम से हम जो योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, क्या है, इनके कार्य क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।